हेलो दोस्तों, दिनाली स्कोप पर आपका स्वागत है। मैं हिमांशु हूँ और BHU और यहाँ के एंट्रेंस से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें ईमेल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और फर्दर जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज पेपर देने वाला हूँ 2011 का BHU प्रवेश परीक्षा BEd लैंग्वेज ग्रुप भाषा समूह। आप ये दो दो ग्रुप में होता है, मैं लैंग्वेज ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास लैंग्वेज ग्रुप का पेपर है। पेपर कितना है? 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ साल का पेपर है और मैं ये 8 साल का पेपर आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपको मैं पूरा पेपर बताऊंगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और मैं आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे ही कैमरा रोल करते चला जाऊंगा और आपको दिखाते चला जाऊंगा। कुछ भी बीच में इंपॉर्टेंट होगा तो आपसे बात करता और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते चला जाऊंगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं पर भी आए तो प्लीज़ उसको थोड़ा सुनिएगा, मैं इस पर क्या बोलना चाहता हूँ। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा हमारे पास, वो ऐसे 1, 2, 3 करके दिखाता चला जाऊंगा और आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो किसी को ऐसा एक्सक्यूज नहीं होगा कि सर इंग्लिश में डालिए कि हिंदी में डालिए। तो हम ये क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में और सॉल्व क्वेश्चन आपके सामने ये रख रहा हूँ मैं। तो आपके पास क्वेश्चन है पूरा, दोनों दोनों तरफ के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं ना? बार बार इधर दिखाना सही नहीं है। तो मैं बस चाहता हूँ कि ऐसे ही ये पेपर आपको ऐसे ही दिखाता चला जाऊँ। बात करते हैं इस क्वेश्चन में, ये जो कटिंग की गई है, कट की गई है, इसका मतलब ये है कि BHU के द्वारा ये क्वेश्चन गलत दिया गया था और जिसने भी इसको अटेम्प्ट किया होगा उसको फुल नंबर 3 नंबर मिल जाएगा। ये है BHU BEd लैंग्वेज ग्रुप का पेपर है ये, और लैंग्वेज ग्रुप के पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और उसके साथ क्या होता है कि माइनस मार्किंग होता है BHU के हर एग्जाम में। तो आप माइनस मार्किंग के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर आप अपना पेपर गलत करते हैं तो आपको माइनस मार्किंग के क्राइटेरिया से गुजरा जा सकता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है और दोनों तरफ का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक बार रिवाइंड चला लीजिएगा अगर कोई दिक्कत होगी तो। दोस्तों, अगर आपको BHU BEd लैंग्वेज ग्रुप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस जानना है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम जल्द से जल्द आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस देने की या मुहैया करवाने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द हम लोग इस पे काम कर रहे हैं BHU एग्रीकल्चर के पेपर पे। तो BHU एग्रीकल्चर का पेपर भी पूरा काम करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे BHU के सारे सब्जेक्ट पे। लगभग BHU के सारे सब्जेक्ट का पेपर हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आप हमारे चैनल पे जा करके BHU के सारे ईयर के पेपर, हर हर सब्जेक्ट के 10 साल के पेपर आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। मैं ये इतना जल्दी जल्दी कैमरा इसलिए चला रहा हूँ, इसके पीछे मैं कुछ आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, इससे जुड़ी मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ और 2-3 मिनट 4 मिनट में एक पूरा क्वेश्चन बैंक आपके पास अपलोड कर दिया गया है। तो मतलब कितना सही है ना, 100 क्वेश्चन 4 मिनट में बता दिया किसी लड़के ने। तो आप पूरा क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए और चीज़ों पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए और सिलेबस जानने के लिए आप हमें कमेंट करिए, ठीक है? कमेंट करिए, कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम देंगे आपको, पक्का रिप्लाई देंगे एज सुन एज पॉसिबल। और ये रहा, मैं आपको बता दूं कि ये रहा 2011 का, आपको दिख रहा होगा 2011 का पेपर है ये। और इसके बाद हम 2012 अपलोड करेंगे। मैं आपको दिखा दूं अगले वीडियो में, आप हमसे जरूर जुड़िएगा। अगली वीडियो में हम 2012 का BHU BEd का लैंग्वेज ग्रुप का पेपर अपलोड करने जा रहे हैं। सो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे मेहनत को लाइक करिए, इससे क्या होता है हमें काम करने की और भी क्षमता और खुशी मिलती है काम करने की। लोग हमें अच्छा सराह रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस पर आप लाइक करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।